हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी शाम के गए 6:30 हो रहे हैं एंड गाइज आज तो गाइज देख लो, गाइज बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आज मौसम ठंडा है। एंड वापस से गाइज फोन आ गया, अपने ऑफिस गई थी एंड अभी शाम को लौटी है, जिसने गाइज खाना वगैरह खा लिया है। वापस से गाइज इसे हमने स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया एंड आपको गाइज अपनी मैक्सी का हाल दिखाते हैं आज क्या है। एंड गाइज आज मैं वीडियो भी नहीं बना पाया ज़्यादा। ये है हमारी गाइज मैक्सी, मैक्सी गाइस। मैक्स अभी है खेलने के मूड में, देख लो अभी पता नहीं कहाँ लेके जाने वाला है बॉल। तो गाइस वो तो ऊपर जाके बैठ गया। तो गाइस हमारा गाइस जो असाइनमेंट है ना बायोलॉजी का, मेरा कुछ गाइस कुछ इतना ही कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो गाइस अभी बड़े सारे डायग्राम बनाने हैं और मैक्सी गाइस वापस से यहीं आके बैठती है। गाइस आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो गाइस हमारे हेल्थ के लिए सही है। गाइस हमें फर्टिलाइजर गाइस जो को हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना, गाइस मैक्सी बताएगी। गाइस हमें फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है, गाइस हमें ओनली यूज़ करना है मैन्योर्स। और गाइस मैन्योर्स बनाने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे बनाना है मैन्योर्स घर में। तो उसके लिए गाइस आपको एक दो इतने बड़े बड़े इसकी ज़रूरत पड़ेगी पतीले के, इसे क्या बोलते हैं पतीला या बट्टल क्या बोलते हैं। तो ये आपको दो चाहिए ऐसे वाले। एंड आपको गाइस इसके अंदर ना किसी भी एनिमल्स का गोबर डाल देना है, जैसे मैंने इसके अंदर डाल रखा है गोबर। एंड इसमें गाइस आपको कीड़े डालने हैं से। तो गाइस आपको इसमें ना अर्थवर्म डालना है। गाइस अभी हमें अर्थवर्म मिला नहीं, अगर कितने धरती से अर्थवर्म गाइस सितंबर के जैसे बारिश होती है ना तो निकलते हैं। तो गाइस फिर इसमें डाल देंगे हम वो वाले। तो गाइस ये मैन्यूअर्स बन जाएगा बड़ी ही जल्दी। अभी तो गाइस मैन्यूअर्स बनने में से टाइम लगेगा। और गाइस जहाँ पर उसमें घोड़ा था ना वो अभी तक देखोगे कीचड़ बना ही है। तो गाइस यहाँ पर बारिश है, गाइस घास तो बड़ी ही ज़्यादा हो चुकी है। गाइस घोड़ी ये सब नहीं खाते, जो छोटे छोटे इतने इतने घास होते हैं ना वही खाते हैं। एंड गाइस घोड़े ने गाइस कर ली नहीं परसों गए हैं, बट घास निकलना जहाँ से उन्होंने खाया था ना पूरा क्लीन कर दिया था, बट गाइस वापस से होना स्टार्ट हो गया वहाँ पर घास। एंड गाइस हमारी फौना का गाइस ये अशोक वादी ऑफिस है, यहीं पर रहती है ऐसे पूरे दिन। एंड वो गाइस नीम के ट्री में, गाइस नीम का ट्री गाइस ठंडा रहता है ना तो वहाँ पर रहती है। और गाइस यहाँ पर गाइस वापस ही ये निकल जा चुका है, गाइस कितनी बार भी निकालो बार बार गाइस ये निकल ही जाता है। तो गाइस अभी मैं आपको फियोना दिखाता हूँ, सुबह से गाइस गायब रहती है और दोपहर को आ जाती है, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो कहाँ पर है। तो गाइस आज इडली बनेगा, इडली तो नहीं लेकिन वो पतीड़ा। तो गाइस पतीड़ा बनेंगे इडली नहीं। एंड फ्योनी है कहाँ फ्योना? तो गाइस फ्योनी का पता नहीं कहाँ चली जाती है, अभी मैंने इसे यहीं पर बंद किया था एंड वापस से भाग गई। एंड गाइस मैक्सी भी आ चुका है, चलो मैक्सी। तो गाइस दरवाजा खोलना आ गया, आ जा है नहीं मिलेगी। तो गाइस आज इडली नहीं पतेड़े बन रहे हैं। तो गाइस मैं दिखाता हूँ पतेड़े क्या होते हैं। तो गाइस ये है पतेड़े, ये होते हैं बेसिकली पत्ते। और गाइस अभी मम्मा इसमें बेसन लगा रहे हैं, देख लो गाइस लीव्स कितने बड़े हैं इसके। तो गाइस मेरा बायो का काम कर रहा हूँ, हॉलीडेज होमवर्क मेरा गाइस थोड़ा सा बायो का बचा था। गाइस ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है एनिमल सेल, इसकी गाइस अभी डिफरेंस भी बताना है। एंड अब गाइस ये है,
गाइस ये है न्यूक्लियस एंड गाइस इसका भी मुझे पता नहीं परमीएबल क्या था। हाँ परमीएबल कुछ ऐसे ही है नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ हाँ वही उसे कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस अब नेक्स्ट मैं ये बनाऊंगा क्रोमोसोम जिसके ये थोड़ी बटरफ्लाई सी लग रही है बनाना कितना एंड एक ही बना दूँ बस गाइस टू और बनाने हैं फिर गाइस मेरा बायो का कंप्लीट फिर गाइस मेरा लिखने का काम बच जाएगा असाइनमेंट में। तो गाइस आज डिनर में गाइस हम पतेड़े खाएंगे तो गाइस हम पंखे फैन के पास खाएंगे गाइस चलो खाते हैं